हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेज दैट इन इंजन्स वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट बिकॉज फर्स्ट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, सेकंड इट हैज़ लो डेंसिटी, थर्ड इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, फोर्थ इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें। तो की कंसेप्ट इज कैलोरीमेट्री, की कंसेप्ट इज कैलोरीमेट्री। और हम वाटर का यूज़ इंजन्स में कूलेंट के लिए करते हैं क्यों? क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको पता है? क्यों इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या होगा आपका? क्यू अपॉन एम एस। अगर देखो, अगर एस ज़्यादा हुआ तो मतलब आपको बहुत हीट देना होगा, तब जाकर टेम्परेचर में राइज काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा टी क्या होगा? कम होगा। मतलब आपका जो इंजन है काफ़ी देर तक ठंडा रह पाएगा। वाटर का एस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स या अदर आपके लिक्विड से। तो अगर आपको ज़्यादा देर तक ठंडा रखना है इंजन को, तो आपको क्या रखना होगा? वाटर को भरना होगा जिससे वो हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसका टेम्परेचर बिना काफ़ी ज़्यादा राइज हुए बिना। सो इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम? वाटर का यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। So I hope you understood it well. Best of luck.